अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल तवा चिकन। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तवा ले लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। ये तवा चिकन है इसलिए हम तवे में बना रहे हैं, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो अदरक लहसुन को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। तो देखिए अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब 2 छोटे साइज की प्याज को बारीक कट करके इसमें हमें फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन के साथ। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। देखिए प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें 2 छोटे साइज के रफली चॉप टमाटोज ऐड करेंगे और टमाटरों को भी हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। बिल्कुल देखिए इस तरीके से गला लेना है। जब टमाटर गल जाए तो मसालों में 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच तेज़ वाली मिर्ची, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची और 1 टीस्पून इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ही ऐड करना है फिलहाल, इस वक्त ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। इन सब मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ना ज़्यादा हाई करेंगे ना ज़्यादा लो करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हमें पूरा तवा चिकन को बनाना है। पूरा जो भी प्रोसेस है तवा चिकन को बनाने का, उसको मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला हमारा जले ना और अच्छे से भुन जाए। देखिए मसाला भुन चुका है, अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने थाइस का जो पीस है वो लिया है चिकन का, छोटे छोटे मतलब मीडियम पीसेस कट किए हैं। थाइस की चिकन मैंने ली है कि वो खाने में सॉफ्ट होती है। अगर आप चाहें तो सीने का भी ले सकते हैं, बोनलेस चिकन है ये, बोनलेस चिकन ही लेना है आपको। अब हमें चिकन को अच्छे से मसालों के साथ थोड़ा भून लेना है। देखिए चिकन को मैंने भून लिया, अब थोड़ा सा हम इसमें 1/4 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, 1/4 ग्लास ही ऐड करेंगे क्योंकि चिकन का भी पानी रिलीज होगा। अब हम इसको लीड से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक इसको पकने देंगे ताकि चिकन हमारी कुक हो जाए। तो देखिए चिकन को पकते हुए हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए चिकन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, इजीली टूट रही है। अगर जो पीसेस आपको थोड़े बड़े लगते हैं तो आप उनको इस तरीके से छोटे छोटे पीस में तोड़ भी सकते हैं। अब जो चिकन का पानी रिलीज हुआ है उसको हम थोड़ा सा सुखा लेते हैं हाई फ्लेम पर, क्योंकि तवा चिकन हम बना रहे हैं तो वो मसाला टाइप होगा, उसमें ज़्यादा पानी या फिर ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी। अब देखिए पानी सुखा लिया मैंने चिकन का, एक्स्ट्रा जो भी था थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे इस पर, कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे हम। और गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है एकदम। अब हम इसके ऊपर बटर ऐड कर देंगे। बटर डालने से लास्ट में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, और बटर डालना ज़रूरी है इसमें, इसी से इसका जो है फ्लेवर और बढ़ेगा।
और थोड़े से लेमन के पीसेस से हम इसको गार्निशिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा तवा चिकन बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबुएँ आ रही है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, जब आप इसको बनाओगे तब आपको पता चलेगा। आप इसको पराठों के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये खाने में और बहुत ही झटपट से बन जाता है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारा तवा चिकन बना है। तो अगर व्यूअर्स आपको मेरे रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।